बारे मैं मंडल अध्यक्ष वाराणसी मंडल डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ रमेश चंद श्रीवास्तव का आज मंडलीय अधिवेशन है और उसी के तारतम्य में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हमारे संघर्ष कार्यक्रम में प्रांतीय अध्यक्ष जी ने प्रांतीय महासचिव जी ने बता दिया कि हम लोग महासंघ के जो मूल एजेंडे होते हैं उस पर हम कार्रवाई करते हैं। हम लोगों की मुख्य मांग यही थी कि हमारा पद जो है डिप्लोमा जूनियर इंजीनियर का वो सहायक अभियंता के बाद होता है, तो हमारी प्रथम मांग यही होती थी कि हमारा जो वेतनमान हो उसके नीचे का दिया जाए और उसके नीचे का वेतनमान 4800 होता है। मुख्य प्रबल मांग मेरी ये है। उसके बाद जैसे कि हमारे अध्यक्ष जी ने बताया है कि एक विशेष भत्ता दिया गया था कोरोना काल में 400 रुपये को, मेरा भी गवर्नमेंट ने छीन लिया, उस पर भी हमारा प्रांतीय कार्यकारिणी संघर्ष मतलब पत्राचार कर रही है और जब मंडलीय अधिवेशन हो जाएंगे तो प्रांतीय कार्यकारिणी का हमारा नई गठन हुआ है उसके साथ ये कार्यक्रम देंगे। हम लोग सरकार के विरुद्ध फिर एक जिले स्तर पर फिर मंडल स्तर पर जैसा कार्यक्रम हमारा प्रांतीय कार्यकारिणी आह्वानित करेगी उस तरह से हम पूरे डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ के जितने सदस्य हैं हमारे वाराणसी मंडल से जो भी कार्यकारिणी आएगी अपने तन मन से कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगी और अपनी मांगों को पूर्व की भारतीय सरकार से मनवाएगी। धन्यवाद। क्या बता दें मिश्रा अध्यक्ष प्रांतीय अध्यक्ष डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ, आज अधिवेशन को लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? अधिवेशन को लेकर ये कहना है कि आज हमारा द्विवार्षिक अधिवेशन है वाराणसी मंडल का उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ। यहाँ के चारों जनपदों के सभी सदस्यों को जो महासंघ के हमारे सदस्य हैं उनको बहुत बहुत आज के लिए बधाई कि अधिवेशन सफल हो और साथ ही साथ हमारा जो अधिवेशन होता है इसमें हम अपने संबंध की जो समस्याएं रहती हैं उनके विचार विमर्श करते हैं और उन समस्याओं को एकत्रित करके अपना सरकार के सामने उठाते हैं और हम लोगों का जो वेतन विसंगति है सरकार ने हम लोगों को 400 रुपये का कोरोना भत्ता दिया था, कोरोना काल में उसने वापस ले लिया, तो वो हमारा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जूनियर इंजीनियर संबंध का कि हमारा या तो ग्रेड पे 4800 दिया जाए या हमारा जो ट्रीटमेंट भत्ता दिया जा रहा था वो दिया जाए और हमारा पेट्रोल भत्ता है मोटरसाइकिल के लिए जो है मांग की, अन्य मांगे हैं पुरानी पेंशन स्कीम हैं, इन सब मांगों पे आज यहाँ पे हमारे सदस्यों का अपना विचार विमर्श होगा, वो अपना सुझाव देंगे और उस पर आगे हम लोग अपना कार्रवाई करेंगे। बाकी मंडल के समस्त सदस्यों को आज